तो हेलो गाइस, टोक्यो रिवेंज सीजन 3 एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं ताकेमिची को पता चल चुका होता है कि यह वही जगह है जहाँ पे हिना मारी गई थी, और वे किसकी को भी ये बात पता चल जाती है कि ताकेमिची एक टाइम लीपर है। पर तभी ताकेमिची को कुछ दिखाई देता है जहाँ पे वो हिना को देखता है, एंड वही किसकी ताकेमिची के टाइम लीपर की बात जान के बहुत ही हंसने लगता है। लेकिन तभी ताकेमिची किसकी से कहता है, तुम्हारा हिना से क्या रिश्ता है? मुझे ये बात तो पता है कि तुम टोमन को पाने के लिए मागी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुमने हर बार भविष्य में हिना को मारने की कोशिश क्यों की? तो ताकेमिची की ये बात सुन के किसकी कहता है, ओ तो मैं हमेशा भविष्य में फेल हुआ हूँ। पर तभी ताकेमिची को वापस से वो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जहाँ पे किसकी हिना को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन हिना किसकी को मना कर देती है, जिसे सुन के किसकी का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो ये देख के ताकेमिची कहता है, ओ तो ये वही प्लेस है जहाँ पे तुमने हिना को प्रपोज किया था, लेकिन मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे और हिना के बीच कुछ। पर ताकेमिची के कुछ बोलने से पहले किसकी अपनी बंदूक निकाल लेता है और ताकेमिची के सर के ऊपर रख के कहता है, तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, तो ठीक है अभी मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो तुम्हें नहीं पता है। तो अब हमें किसकी का पास दिखाया जाता है जहाँ पे किसकी स्टडी कर रहा होता है और हिना उसे अप्रिशिएट कर रही होती है, और वही हमें पता चलता है कि किसकी हमेशा अपने स्कूल में टॉप करता है जिस वजह से हिना उसे सपोर्ट करती है। पर वह किसकी को लगता है कि हिना उसे पसंद करती है, लेकिन तभी किसकी को पता चलता है कि हिना किसी और को पसंद करती है और उसका नाम हानागाकी ताकेमिची होता है। फिर किसकी छुप छुप के ताकेमिची को फॉलो करने लगता है और वह किसकी को पता चलता है कि ताकेमिची फ्यूचर में जापान का टॉप 1 गैंगस्टर बनना चाहता है। तो ताकेमिची की ये बात सुन के किसकी ने भी डिसाइड किया कि वो जापान का टॉप 1 गैंगस्टर बनेगा, जिसके बाद किसकी ने कई सारे लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की। फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं किसकी केसे से मिलने को जा रहा होता है और तभी उसके सामने से ताकेमिची गुजरता है। तो उसे देख के किसकी कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि किसकी माइकी से मिलने को आया होता है, क्योंकि किसकी को पता है ये बंदा वो है जो आगे जाके टोमन में राज करने वाला है। ये नंबर 1 गैंगस्टर होगा और मैं नंबर 2, तो मुझे इसे कैसे न कैसे करके अप्रोच करना ही होगा। फिर इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे किसकी कहता है, ताकेमिची तुमने हर बार मेरे प्लान को बर्बाद किया है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो किसकी की ये बात सुन के ताकेमिची कहता है, फ्यूचर में हिना ने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुमने बार बार उसे मारने की कोशिश की, तुम सच में बहुत ही बुरे हो किसकी। पर वही किसकी कहता है, तुम ऐसा नहीं कह सकते, हिना सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेंगी, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ताकेमिची। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची किक मार के किसकी की बंदूक को नीचे गिरा देता है। फिर ताकेमिची उस गन को उठा लेता है और किसकी से कहता है, किसकी तुम सच में बहुत ही बुरे हो, जिस वजह से तुम्हें जीने का हक नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर तभी वहाँ पे माइकी और हिना आ जाते हैं, जिसे देख के ताकेमिची का ध्यान भटक जाता है और मौका देख के किसकी वहाँ से भागने लगता है। तो ये देख के ताकेमिची भी उसके पीछे भागने लगता है और उससे कहता है, किसकी सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम अभी नहीं जीत सकते, तुम अभी कुछ भी कर लो, कोई भी तुम पे विश्वास नहीं करेगा किसकी। पर वही किसकी कहता है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं फिर से एक नया प्लान बनाऊंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा ताकेमिची। पर वही ताकेमिची कहता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम फ्यूचर में अभी कुछ भी चीज नहीं कर सकते। ताकेमिची की ये बस उनके किसकी रुक जाता है और ताकेमिची से कहता है, तो तुम्हें ये लगता था कि मैं भी तुम्हारी तरह एक टाइम लीपर हूँ, लेकिन मैं। और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक आके किसकी को उड़ा देता है और ये देख के ताकेमिची बहुत ही हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।